गया था खेलने, लेकिन मेरे साथ हो गया है हादसा। पहले दिन ही मेरा पैर बहुत हालत खराब है। सूजन कितना खुल गया यार। हम लोग एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये है एम्बुलेंस, स्ट्रेचर रखा हुआ है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। तो आज है संडे और एक्चुअली क्या है, सुबह सुबह मैं थोड़ा सा खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है। बहुत दिन बाद जा रहा हूँ, देखता हूँ खेल पाता हूँ नहीं खेल पाता हूँ, और इसीलिए सब रेडी हूँ। नीचे एक बंदा वेट कर रहा है मेरे लिए, तो जाके जाना पड़ेगा वो मैदान में, थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। नीतू आसी, नीतू आसी, हाँ भाई चलो आते हैं भाई, तो चलते हैं नीचे और वहाँ से मैदान में जाएंगे और आज क्रिकेट खेलेंगे, बहुत दिन बाद खेलेंगे, तो देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। अगर हो सके तो मैं वीडियो बनाऊंगा। A few moments later. यहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच और मैं गया था खेलने, लेकिन मेरे साथ हो गया है हादसा। पहले दिन ही मेरा पैर देखो एकदम सूज गया है, मोच आ गया पैर में, बहुत खराब हालत है। मोच आ गया यार, क्या करे पैर में। तो ये लोग खेलते रहे, मैं चलता हूँ घर। मैं खड़ा हुआ था वहाँ पे उस जगह पे, वहाँ पे गड्ढा था, गड्ढे में पैर गिर गया और फिर आ गया पैर में मोच। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। सो गाइस, तो अभी चलते हैं घर क्योंकि दवाई ववाई लगाएंगे, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं घर, बेकार हो गया आज का दिन। तो गाइस, हादसा, हादसा, देखिए देखिए मेरा पैर का हालत एकदम सूज गया है। ये जगह देखिए, गया। गॉड, ठंडा पानी और गर्म पानी कर रहे हैं थोड़ा सा, गर्म पानी मतलब क्या बताए यार। और इसके पहले भी एक बार खेलने गए थे, ऐसा ही हुआ था, वो लेफ्ट पैर, ठीक है, है आइस है, आइस है क्या? हाँ ड्राई आइस दिखाओ। बहुत गर्मी है इसमें, क्या बोला तूने? अरे अमर, एक जिनिस तो बुझते पारछो ना, आमी खेली ना ना जे ही दौड़ाते शुरू कर दीछे, आगे जो एकटू वार्म अप वार्म अप कर लितम ताहले होते पारे। कैसा लग रहा है? हाँ अभी वो गर्मी में डालो वापस, फिर इसमें पापा पापा ऐसे ही होता हुआ था ना। हाँ पापा, क्या तुम क्या वीडियोग्राफर हो? ये देखो पापा को बच्चा की तरह करती है, बच्चा देखो बच्चा।
तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं इनके सारे कारनामे, बच्चे भी सोच रहे हैं मेरे कि ये क्या है, ये क्या होता है पा, ये बच्चा की तरफ होता है, मेरा पापा बच्चे, मेरा पापा बच्चा। ओह गॉड, बहुत दर्द कर रहा है यार, बहुत हालत खराब है। सूजन कितना फूल गया यार, देखो एकदम सूज के फूल गया है कितना। तो गाइज अभी घड़ी पे बज रहे हैं 10 बजे। आज मैं बिफोर टाइम वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और ये देखिए अभी पूरा फूल गया है, इस साइड में पूरा सूजन हो गया है। मेरा सिस्टर लोग निकल गई है घर से और वो लोग आ जाएगी करीब 3:30 बजे आ जाएगी, तो शायद एक बार जाना पड़ेगा, देखते हैं। तब तक अगर ठीक हो जाता है ये सूजन तो चले जाएंगे, नहीं तो आज मेरे वाइफ को ही जाना पड़ेगा, जाके उन लोगों को लेके आना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा दवाई लिया है पेन किलर, तो उसके वजह से थोड़ा सा दर्द कम हो रहा है और नींद बहुत ज़ोर से आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सो लूँ। अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा, अच्छा नींद हुआ क्योंकि वो पेन किलर लिया था, तो पेन किलर से थोड़ा सा नींद जैसा आ रहा था तो मैंने सो गया। घड़ी पे बज रहे 1 और थोड़ी देर में जाएंगे नहा लेंगे। मैं तो घर पे हूँ क्योंकि मेरा पैर में मोच आ गई है, तो इसके लिए मैं घर पे हूँ और मेरा वाइफ गई है हॉस्पिटल मेरा जिया जी को मम्मी के वहाँ देखने के लिए। फिलहाल अभी मैं घर पे हूँ, देख बैंडेज मैंने कर दिया है। Meanwhile, तो दोस्तों जैसे बताया था कि ये मेरी ननद है और सास को लेके आई थी एडमिट कराने, तो सिम्स हॉस्पिटल में आए थे, एडमिट हो चुका है और अभी वापस जा रहे घर। ये हम लोग एम्बुलेंस के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये है एम्बुलेंस, स्ट्रेचर रखा हुआ है तो इसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं। ये लोग बाड़मेर राजस्थान से डायरेक्ट आए हुए हैं एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि मतलब सास भी थी मेरी, मेरी ननद की जो सास है उनको मतलब ऐसा कंडीशन उनका नहीं था कि वो अच्छा ऐसे ऐसे बैठ के आ पाए पूरे कार में, और फिर भैया भी कार चला के इतना दूर है तो शायद से नहीं आ पाते, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। और एम्बुलेंस इज क्वाइट बिग इनफ, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ा ही है, तो हो जाएगा, इट्स ओके, इसीलिए सब लोगों ने डिसाइड किया। तो आए हुए हैं और अभी जा रहे घर, हो गया हॉस्पिटल का काम, तो मैंने जानबूझ के वीडियो दिखाने नहीं दिया क्योंकि डोंट नो कि वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे बिकॉज वो पेशेंट वहाँ पर होते हैं। अभी जा रहे घर, तो ये जो रास्ता हम लोग अभी क्रॉस करें आपको दिखाई नहीं देगा, बट ये रास्ता है वो थलतेज का रास्ता है, ये ऑलमोस्ट पकवान सर्कल के यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं घर जाके मिलते हैं, मेरे हस्बैंड का भी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, पैर में चोट लगी है, मोच आई है पैर में, तो अभी क्या बोल सकते, चलिए मिलते हैं घर पर, देखते हैं कल क्या करने वाले हैं। अगर ठीक हो जाता है तो जाएंगे कल ऑफिस, नहीं होता है तो अभी थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर सो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, खुदा हाफिज़।